देवघर थाना क्षेत्र के पानी टंकी डोमासी मोहल्ला के समीप एक सलून दुकान में दो व्यक्ति द्वारा रंगदारी मांगने को लेकर सलून दुकान के मालिक नहीं रहने पर सलून में काम करने वाले कर्मी के साथ मारपीट करते हुए दुकान का सामान को तोड़फोड़ दिया। इतना ही नहीं, रंगदारी मांगने आए व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने स्टैंड फैन के रोड को उठाकर कर्मी पर वार किया, जो आंख के बगल से गुजर गई और आंख बाल बाल बच गई। वहीं रंगदारी व मारपीट करने वाले व्यक्तियों में एक का नाम अमित सरेवार उर्फ पुक्कू है, जबकि दूसरे का नाम गणेश तुरी, दोनों माथा बौद्ध का रहने वाला बताया जा रहा है। सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इतना ही नहीं, दोनों रंगदारी मांगने वालों ने दुकान मालिक के घर में भी जाकर ईंट पत्थर चलाया, जिसमें दुकान मालिक के बच्चा बाल बाल बच गया। वहीं घटना की जानकारी नगर थाना प्रभारी को लिखित रूप में दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आरपी भारत देवघर की रिपोर्ट। इस घटना के संबंध में आप क्या बोलते हैं? हम कुर्सी में बैठे थे, दो लड़का आया हमसे रंगदारी मांगने लगा, हम नहीं देने पर गाली गलौज करने लगा, हमारे पास मसाजर मशीन माथे पे मार के जबरदस्ती एकदम मारपीट करने लगा रोड में दौड़ा दौड़ा के। उसके बाद हम जान बचा के गली से भागे। मेरे पार्लर में दो व्यक्ति आकर रंगदारी मांगा मेरे स्टाफ से, नहीं देने पर मेरे स्टाफ पे वार किया और मेरे घर जाके ईटा पत्थर से वार किया, मेरा बच्चा बाल बाल बच गया। आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास फुटेज है, जो मारपीट किया है वो सारा डिटेल मेरे पास है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।